दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन मैदान पर मचाया गदर तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी खौफनाक गेंदबाजी कर बजाया वापसी का बिगुल। जी हाँ दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज मैकेंजी और कप्तान ब्रेथवेट ने तूफानी बल्लेबाजी करके भारतीय गेंदबाजों को नेस्तनाबूद किया, तो वहीं भारतीय वापसी कर गेंदबाजों ने इस कदर कहर बरपाया जिसके सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज दिक्कत का सामना करते हुए दिखाई दिए। तो आखिरकार कैसे तीसरे दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ घुटने टेके, या तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतरीन गेंदबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला रोमांचक मोड़ ले चुका है, जहां पर त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन शहर में स्थित क्वींस पार्क ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे महामुकाबले के अंदर वेस्टइंडीज के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया, जहां पर भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 288 रन बिना विकेट खोकर बनाए और दूसरे दिन दूसरे सत्र की समाप्ति तक 438 रन पर अपने सभी विकेट दे दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने सर्वाधिक 121 रन बनाए, तो वहीं रोहित शर्मा ने 80 और यशस्वी जायसवाल ने 57 रन का योगदान दिया। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने 56 और रविंद्र जडेजा ने 61 रन की पारी खेली, तो वहीं वेस्टइंडीज की तरफ से केमार रोच और वेरिकन ने 3-3 विकेट हासिल किए। तो वहीं इसका पीछा करने के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत चंद्रपाल और कप्तान ब्रेथवेट ने की, जहां पर दोनों ने मिलकर 71 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी कर डाली। लेकिन इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा ने चंद्रपाल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर रविचंद्रन अश्विन के हाथों 33 रन के स्कोर पर कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने क्रिक मैकेंजी आए, जिन्होंने दिन की समाप्ति तक 41 ओवर में 86 रन एक विकेट खोकर बना दिया। इस दौरान वेस्टइंडीज की टीम 352 रन पीछे चल रही थी, जहां पर कप्तान ब्रेथवेट 128 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद रहे, तो दूसरी तरफ से मैकेंजी ने 25 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 14 रन की पारी खेली और दूसरे दिन की समाप्ति की। तो वहीं जब तीसरे दिन की शुरुआत हुई तो गेंदबाजी पर क्रिक मैकेंजी मौजूद थे। उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए आए जयदेव नाथकट के सामने काफी ज्यादा संघर्ष किया और पहली 5 गेंदों पर 1 भी रन नहीं बनाया। लेकिन इसके बाद जब ओवर की अंतिम गेंद सामने आई तो गेंदबाजी कर रहे जयदेव उनादकट के सामने क्रिक मैकेंजी ने चौके के लिए गेंद को रवाना कर दिया, लेकिन फील्डर ने रोक लिया और बल्लेबाज ने 3 रन बटोरे, जिसके चलते मैकेंजी ने अपना और अपनी टीम का खाता तीसरे दिन के लिए खोल दिया और दिन के पहले ओवर में मात्र 3 रन आए। जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाज मोहम्मद सिराज को बुलाया गया, जिन्होंने काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज और कप्तान ब्रेथवेट को परेशान किया, लेकिन कप्तान ब्रेथवेट आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि इस ओवर में उन्होंने अपना विकेट भी नहीं गंवाया और एक भी रन ना बनाते हुए मेडन ओवर डालकर तीसरे दिन का पहला मेडन ओवर डाल दिया, जिसके बाद एक बार फिर से अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए जयदेव नाथकट को बुलाया गया, जहां पर इस ओवर में ब्रेथवेट ने 1 रन लेकर अपने तीसरे दिन के पहले रन बटोरे, तो वहीं इसी ओवर के अंदर मैकेंजी ने 2 गेंदों पर 2 चौके लगाते हुए भारतीय टीम को आगाह कर दिया और बता दिया कि वह भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें पैदा कर सकते हैं। इस दौरान बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मैकेंजी ने पहले ड्राइव शॉट लगाया और इसके बाद एक्स्ट्रा कवर की तरफ से 1 और चौका लगा दिया, जिस दौरान उन्होंने ओवर में 9 रन बटोरे, तो वहीं अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज के सामने 3 रन बटोरकर वेस्टइंडीज ने अपने 100 रन 85 ओवर में पूरे कर लिए। इस बीच 46 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जयदेव नाथकट के सामने एक जोखिम भरा शॉट खेलकर मैकेंजी ने तूफानी बल्लेबाजी की और चौका लगा दिया, दिखा दिया कि वह आज इसी अंदाज से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर में 7 रन बटोरे और अगले ओवर में विकेट निकालने के लिए मोहम्मद सिराज को काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखाई दिए, लेकिन उनके खिलाफ ब्रेथवेट ने अपने इस जिम्मेदारी भरी पारी के दौरान तीसरे दिन के अंदर अपना पहला चौका लगा दिया और ओवर के अंदर मात्र 5 रन बटोरे। हालांकि भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट भी नहीं मिल रहा था और वेस्टइंडीज के दोनों बल्लेबाज डटकर सामना करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में जब विकेट नहीं गिर रहे थे तो गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे गेंदबाज को बुलाया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने अपना पहला मुकाबला खेल रहे मुकेश कुमार को बुलाया। इस दौरान मुकेश कुमार के सामने दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पहले ही ओवर में मुकेश कुमार ने 1 भी रन नहीं दिया और मेडन ओवर के साथ शुरुआत की। इस दौरान मुकेश कुमार के सामने दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पहले ही ओवर में मुकेश कुमार ने 1 भी रन नहीं दिया और मेडन ओवर के साथ शुरुआत की, जिसके बाद अब अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया गया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपना पूरा समर्पण कर दिया लेकिन विकेट निकालने में असमर्थ रहे और ओवर के अंदर 4 रन भी दे दिए, तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी कर रहे मुकेश कुमार बार बार बल्लेबाजों पर दबाव बना रहे थे। तो वहीं अब गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को बुला लिया गया, जहां पर उन्होंने मेडन ओवर के साथ शुरुआत की। इसी के साथ 51 ओवर की समाप्ति तक 117 रन एक विकेट के नुकसान पर बना दिए और जैसी बल्लेबाजी वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कर रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से कप्तान और मैकेंजी दोनों अपना अपना अर्धशतक लगाएंगे और दूसरी तरफ से भारतीय टीम के गेंदबाज भी वापसी करते हुए 1 या 2 विकेट अवश्य निकालेंगे।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है वेस्ट इंडीज की टीम तीसरे दिन के अंत तक कितने रन बना पाएगी, अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।